यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2023 में कंडक्ट किया गया था, उसके पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस पेपर को मैंने जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसमें मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो सेक्शन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता रहूंगा आप उससे मैच कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया होगा उनके पास पहले से भी पेपर मौजूद होगा, और जिनके पास पेपर नहीं होगा वो इस पेपर को कंसिडर कर सकते हैं। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जो कि मैंने पहले अपने वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है, और एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ वीडियोज मैंने जो अपलोड किए हुए थे वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कॉन्सेप्चुअल टाइप में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी पॉपुलेशन स्टडीज पर मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया हुआ है और अपलोड किया हुआ है वो मोर देन एनफ है आपके यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए। हालांकि मैं इतना श्योर हूं कि आप मेरे वीडियोस को अगर देखते हैं और साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चले जाते हैं तो सिर्फ वीडियो के सहायता से आपका नेट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो जेआरएफ के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर अपनी तरफ से लगाना होगा, जो कि आप वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और उसके अलावा। खैर, इन सब चीजों को हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, अलग से मैं वीडियो उसको इसके लिए मैं प्रिपेयर कर लूंगा। ये जो सीरीज है इस सीरीज में ये फर्स्ट नंबर वीडियो होगा जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, 1-5। ये देखेंगे यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज दिसंबर 2023 डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 1-5। जैसा कि इसके पहले जून 2023 में मैंने एक्सप्लेन किया था 10-10 क्वेश्चंस को लेकर के, तो उसमें वीडियो का लेंथ थोड़ा मैक्सिमम हो गया था, 30-40 मिनट्स के वीडियोस हो गए थे, इसलिए इस बार मैंने 5 क्वेश्चंस के कलेक्शन को ही यहां पर एक्सप्लेन करूंगा हर वीडियोस में, ताकि मिनिमम टाइम में या मिनिमम क्वेश्चंस के साथ में मैं मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आईडी भी लिखी हुई है, इस आईडी से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर होगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन को ही यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू करेक्टली डायग्नोज द पॉजिटिव who have the disease, and statement 2 है specificity of the test is defined as ability of the test to correctly diagnose negative who do not have the disease। यहाँ पर दो terminology है, पहला है sensitivity और दूसरा है specificity। अगर आपको इन दोनों के meaning मालूम हो जाए तो आप इसका answer यहाँ से निकाल सकते हैं। तो sensitivity और specificity ये दोनों क्या होता है इसको एक इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब यह है कि अगर कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है और उसको किसी बीमारी का सिम्टम उसको समझ में आ रहा है कि उसको कोई बीमारी है, सपोज शुगर है, उसको यह लग रहा है कि उसको कहीं शुगर तो नहीं हो गया है, और एक्चुअली में अगर उसको शुगर हो और वो टेस्ट कराता है और टेस्ट में भी शुगर आता है तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगा कि उसको लग रहा है कि उसको शुगर है बट वाकई में उसको शुगर नहीं है, लेकिन जब टेस्ट कराता है तो चूंकि उसके बॉडी में शुगर नहीं है, डायबिटीज का वो पेशेंट नहीं है, बट टेस्ट में डायबिटीज आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। और यही ये दोनों लाइन से आपको समझ में आएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, सॉरी। स्टेटमेंट 1 है sensitivity of the test is defined as ability to correctly diagnose the positive who have the disease, अगर उनको डिजीज है और टेस्ट में वो डिजीज पाया गया दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। और स्पेसिफिसिटी में यहां पर है इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज निगेटिव हु डू नॉट हैव द डिजीज, उसको डिजीज नहीं था बट टेस्ट में डिजीज आ गया, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिसिटी। और इसको यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसलिए जो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट।
सेंसिटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज करेक्टली एंड गिव पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब जो डिजीज था उसका टेस्ट हुआ और वो टेस्ट पाया गया। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज करेक्टली एंड निगेटिव रिजल्ट, मतलब वही जो मैंने पहले बताया कि उसको डिजीज नहीं था बट उसको सिम्टम ऐसा दिखाई दे रहा था, लग रहा था, डॉक्टर ने उसको टेस्ट करने के लिए कहा, उसके बॉडी में वो डिजीज नहीं थी बट टेस्ट में रिजल्ट आ गया कि हाँ है, बट वाकई में उसके उसके बॉडी में वो डिजीज नहीं थी, तो ये कहलाएगा स्पेसिफिसिटी। ये आपका आंसर यहां से हो जाता है क्लियरली। इसके अलावा भी दूसरे और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के मीनिंग को। नाउ सेकंड नंबर, इसकी आईडी यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉलम्स ऑफ लाइफ टेबल रिलेट टू पर्सन ईयर लिव्ड। पर्सन ईयर लिव्ड यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा पर्सन ईयर लिव्ड को ये शो करता है, स्मॉल एलेक्स कैपिटल टीएक्स, स्मॉल क्यूएक्स कैपिटल टीएक्स, कैपिटल एलेक्स कैपिटल टीएक्स, ये आंसर सही हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो एलेक्स है और टीएक्स ये दोनों पर्सन ईयर्स होता है, बट एलेक्स और टीएक्स इन दोनों में छोटा सा ये डिफरेंस ये है कि एलेक्स है जो एक टाइम ड्यूरेशन के बीच को बताता है कि एक्स मतलब पर्सन ईयर्स लिव्ड बिटवीन एज एक्स टू एक्स प्लस वन, अगर लाइफ अगर कंप्लीट लाइफ टेबल है और एवरेज लाइफ टेबल है तो वो वन के अलावा 5 years या 10 years के ड्यूरेशन पर हो जाएगा। तो एलेक्स और ये टीएक्स है, मतलब एक्स ईयर तक तो उसने जी लिया, मतलब पर्सन ईयर हो गया, बट उसके ऊपर वो कितने ईयर तक जिएगा ये पता नहीं है, अनलिमिटेड, तो ये इन्फिनिटी, तो एलेक्स एंड टीएक्स ये वाला हो जाएगा, मतलब पर्सन ईयर्स लिव्ड इसको ये शो करता है। अब चूंकि ये लाइफ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइफ टेबल इसको मोर्टलिटी टेबल और एक्चुरियल टेबल, ये दोनों टेबल भी कहा जाता है लाइफ टेबल को, और लाइफ टेबल में टोटल 7 कॉलम्स होते हैं जिनको यहां पर दिखाया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 up to 7। एज एक्स होता है, ये एलेक्स होता है, पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ टेबल, इसको रेडिक्स ऑफ द लाइफ टेबल भी कहा जाता है। इसके बाद आपको मालूम है, अगर आपने लाइफ टेबल का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्लीट लाइफ टेबल और एवरेज लाइफ टेबल ये दोनों। तो यहां पर ये जो कॉलम लिया गया है ये एवरेज लाइफ टेबल के केस में लिया गया है, हालांकि यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसके ऑप्शन को देख करके आप जब समझ जाएंगे कि ये जो ऑप्शन है ये कंप्लीट लाइफ टेबल से है, क्योंकि यहां पर एन टर्म का यूज नहीं हुआ है, बट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोनों का मीनिंग, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होगा, थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज हो जाता है उसके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। एलेक्स ये एन डी एक्स हो जाएगा, एन क्यू एक्स, एन एलेक्स, एन टी एक्स एंड ई एक्स, ये इसके मीनिंग आपको मालूम होंगे, कई बार मैंने अपने वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, यहां पर एक ग्राफ है, ये आपके लिए टास्क है, ये एक्स है, यहां पर एक्स, ये एज एक्स है, एज एक्स है, इस एज एक्स के अगेंस्ट में इन 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 में से, मतलब ये 1x तो एज ही है, इसके अगेंस्ट में ये जो फंक्शन है, इन फंक्शन में से कौन सा यहां पर टर्म आएगा जिससे कि ये ग्राफ पांच टर्म कर्व या यू शेप कर्व का होगा, ये आपका टास्क है। अगर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए, ये आपके लिए टास्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट हैं और बिल्कुल बेसिक, मतलब फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ाई जाती है, डिस्पर्सन इन ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा डिस्पर्सन है। तो पहले तो ये इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई, 5 दिए हुए हैं, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी भी है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी है, दोनों है, तो किसी एक को आप कैटेगराइज कर लीजिए। सपोज मैं यहां से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैटेगराइज कर लेता हूं, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं, 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। बट यहां पर अगर मीन के और कैटेगरी को देखें तो मीन में टोटल 3 हो जाते हैं, सिंपल मीन जो कि एवरेज हम कहते हैं, दूसरा हो जाता है हार्मोनिक मीन और तीसरा हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो उस केस में अगर हम ये देखें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टोटल कितने हो जाते हैं, 5, टोटल नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज 5, जिसमें कि ये मोड और
एक होता है मीडियन, सॉरी एम डी लिखता हूं मैं, मोड और मीडियन ये दो हो गए, और जो मीन होता है मीन के अंडर में तीन हो जाते हैं, तो तीन वो और ये दो टोटल मिलकर हो जाते हैं फाइव, मीन और मोड यहां से ये दोनों हट जाएगा, बाकी जो बचेगा ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो जाएगा, रेंज वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन सा होगा सी डी ई, आंसर नंबर थ्री आंसर सही हो जाएगा। अब आपके लिए एक टास्क है, व्हाई डू वी कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है, आपको मालूम है कि जो मोमेंट मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फोर मोमेंट ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर म्यू फाइव भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, सेवन एट नाइन टेन अनलिमिटेड हो सकता है, बट हम डेटा के कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए ओनली फोर टाइप्स ऑफ मोमेंट को ही हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ये आपके लिए टास्क है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहां पे इसका सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द क्राइटेरिया फॉर हाई प्रीवेलेंस ग्रुप ऑफ स्टेट्स फॉर एचआईवी इंफेक्शन इन इंडिया, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, डेटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक होता है एचआरजी हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन, जिसको कहते हैं एचआरजी पॉपुलेशन, हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन, जहां पर प्रीवेलेंस हाई होता है किसी भी डिजीज को इन्फेक्ट होने के लिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां पर इस केस में सही हो जाएगा, हाई रिस्क ग्रुप में जो एचआईवी का प्रीवेलेंस रेट होता है वो 5% से मोर देन होता है, मतलब 5% से ज्यादा होता है। हाई रिस्क ग्रुप कौन होते हैं एचआईवी के केस में, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, नेको के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, आप गूगल पर सर्च करेंगे हाई रिस्क ग्रुप पॉपुलेशन तो वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट को मैंने यहां पर लगा दिया है, मैं इसको बता दूंगा, आप वहां से समझ सकते हैं। दूसरा, इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो आपका सही हो गया, इसमें मोर देन 5% प्रीवेलेंस अमंग हाई रिस्क पॉपुलेशन, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा सही। इसके अलावा और भी ये 2, 3, 4 में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इससे समझने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला ही होगा, आप इसका इतना कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि ये इसके मैनुअल में लिखा हुआ है। प्लस मोर देन 1% प्रीवेलेंस इन एंटीनेटल वीमेन, अब ये एक टर्म आ गया एंटीनेटल वीमेन, तो एंटीनेटल वीमेन को कैसे समझेंगे, तो इसको थोड़ा पार्ट पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, कैसे एंटीनेटल वीमेन को पहले छोड़ देते हैं एंटीनेटल, अब एंटीनेटल में से भी एंटी को हटा देते हैं नेटल को रखते हैं, नेटल का मतलब क्या होगा, आपने अगर फर्टिलिटी पढ़ा है तो फर्टिलिटी को क्या कहते हैं मेजर ऑफ मतलब नेटालिटी को कहते हैं मेजर ऑफ फर्टिलिटी, मोर्टालिटी मतलब डेथ, और न्यूक्सालिटी मेजर ऑफ मैरिज, अगर यहां से नेटल निकाल दें तो नेटल का मतलब होता है फर्टिलिटी, उसी लिए हम उसको कहते हैं नेटालिटी, और नेटालिटी के केस में हो जाता है मेजर ऑफ फर्टिलिटी, और एंटी लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा मतलब फर्टिलिटी, फर्टिलिटी से पहले प्रेगनेंसी का दौर हो जाएगा, और विमेन हो जाएगा तो क्या होगा एंटीनेटल वीमेन मतलब प्रेग्नेंट वीमेन। अगर इसको इस तरीके से इस तरीके से समझेंगे एंटीनेटल वीमेन कौन सी होंगी, वो ऐसी सारी वीमेन जो कि प्रेग्नेंट हो, तो एंटीनेटल वीमेन में ये जो एचआईवी का प्रेवलेंस होता है मोर देन 1% होता है, यही वाला हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही। उम्मीद है मैंने आपको समझाया जो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां से सही हो गया। अब ये तो हो गया एंटीनेटल, यहां पर मैंने इसका फिगर भी लगा दिया है, आप समझ सकते हैं ये सोर्स मैंने नेको से लिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क ग्रुप एचआरजी ग्रुप पॉपुलेशन वो क्या होते हैं, तीन टाइप के होंगे, फर्स्ट जो है वो सेक्स वर्कर होंगे, सेकेंड मेन हु हैव सेक्स विथ मेन, एंड थर्ड जो होगा जो पीपल हु इंजेक्ट ड्रग, तीन टाइप के जो पॉपुलेशन होंगे उनमें एचआईवी का इंफेक्शन मोर देन 5% का प्रीवेलेंस होता है, यही यहां पर पूछा गया है और ये नेको के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव,
इसकी आईडी भी साथ में लगी हुई है और सभी क्वेश्चन के आईडी साथ में लगे हुए मिलेंगे आपको। अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5, विच 5 स्टेट्स हैव एबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी टीएफआर मोर देन 2.5। टीएफआर अगर 2.1, टीएफआर 2.1 होगा ना, मैंने शायद 2.5 बोला, 2.1 टीएफआर मोर देन 2.1 किस किस स्टेट में है, और अगर इस टाइप का है तो उसको क्या कहेंगे, एबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, मतलब अभी वहां की जो फर्टिलिटी है, उस स्टेट की जो फर्टिलिटी है वो रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव नहीं कर पाई है, 2.1 से वहां की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हाई है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चार ऑप्शन दिखे हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पूछा होता तो इसमें ऊपर के जो ईएजी स्टेट्स हैं वो मैक्सिमम हो सकते थे, क्योंकि एसआरएस के अकॉर्डिंग जो ईएजी स्टेट हैं वो उनका टीएफआर मैक्सिमम है, बट एनएफएचएस के अकॉर्डिंग एनएफएचएस 5 का जो डेटा रिलीज हुआ उसमें ये पाया गया कि जो इंडिया है उसका टोटल फर्टिलिटी रेट अभी तक 2 हो चुका है, मतलब हमने रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर लिया है नेशनल लेवल पर, बट जो स्टेट लेवल पर अगर हम उसकी एनालिसिस देखें तो अभी भी बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि अभी मतलब रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इसको अचीव नहीं कर पाया है, वो मैक्सिमम है। उसके बाद अगर एसआरएस के बेसिस पर देखें तो बिहार के बाद दूसरे स्टेट का नंबर आता है, बट एनएफएचएस के अकॉर्डिंग जो टीएफआर का लेवल है वो बिहार सबसे ऊपर है, उसके बाद मेघालय का नंबर आ जाता है, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश का आता है। तो इस केस में ये जो बिहार मेघालय एंड उत्तर प्रदेश ये 3 और 4 ये तीनों में है, बट उसके बाद झारखंड आ जाता है, देन मणिपुर, ये फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको मैंने यहां पर अरेंज कर दिया है एनएफएचएस के डेटा से। एनएफएचएस का कंपाइल्ड रिपोर्ट आपको मतलब आपको कंपाइलेशन करना पड़ेगा, बट कहीं कहीं आपको गवर्नमेंट कहीं वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो कि मैंने यहां से निकाला है indiabudget.gov.in, और इन्होंने एनएफएचएस के ही वेबसाइट से मतलब एनएफएचएस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके जो स्टेट लेवल के जो डेटा है उसको अरेंज किया हुआ है। तो ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप निकाल करके एनएफएचएस का और भी कुछ रिपोर्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इसका होगा, आप यहां से इसको नोट कर सकते हैं, और साथ में एनएफएचएस का टोटल राउंड और साथ में एसआरएस के साथ में मैंने इसका एक एनालिटिकल व्यू भी यहां पर प्रेजेंट किया है। कैसे होगा, एनएफएचएस 1 जब स्टार्ट हुआ 92-93 में, उस समय एनएफएचएस 1 के समय 3.4 था टीएफआर, जो कि हाई था, जो कि अभी के बिहार से भी ज्यादा है। बिहार का टीएफआर अभी एनएफएचएस 5 के अकॉर्डिंग 3 है, और इससे भी ये 3.4 मतलब इससे मैक्सिमम था। इसके बाद समय आया एनएफएचएस 2, एनएफएचएस 2 में ये कम होकर के 2.9 हो गया, देन एनएफएचएस 3 में 2.7 हुआ, एनएफएचएस 4 में 2.2 हुआ, और उसी के साथ साथ एसआरएस 2018 ये जब रिलीज हुआ तो उस समय दोनों का जो टीएफआर है वो सेम था। तो आपसे एग्जाम में कभी भी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समय में एसआरएस और एनएफएचएस ये दोनों का टीएफआर लेवल सेम हो गया था सबसे पहली बार, क्योंकि यहां दो बार सेम हुआ है। तो पहली बार एनएफएचएस 4 और 2018 एनएफएचएस 4 के साथ एसआरएस 2018 ये सेम हुआ था। इसके बाद 2019 का जो एसआरएस आया इसमें 2.1 मतलब एसआरएस के अकॉर्डिंग इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर चुका था, टोटल फर्टिलिटी रेट यहां का 2.1 था, ये हो गया। इसके बाद एसआरएस 2020 एंड एनएफएचएस 5 इसके अकॉर्डिंग हम रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर चुके हैं नेशनल लेवल पर, जो कि अभी 2 है, 20 एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 और एनएफएचएस 5 इस दोनों के अकॉर्डिंग हम अभी टीएफआर के लेवल 2 पर हैं। ये तो हो गया नेशनल लेवल पर, लेकिन अगर स्टेट लेवल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, मतलब मैक्सिमम स्टेट तो टीएफआर के लेवल को अचीव कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि टीएफआर के लेवल को अचीव अभी नहीं कर पाए हैं, जिसमें मोस्टली जो स्टेट हैं वो मतलब ईएजी स्टेट है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एनी स्टेट है। तो इसी में आप जब देखेंगे ये सब लिखा हुआ है, ये एनएफएचएस के अकॉर्डिंग और एसआरएस के अकॉर्डिंग। एनएफएचएस में आपका यहां पर बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर,
यहाँ पर ऑप्शन में पंजाब भी लिखा हुआ है, बट पंजाब नहीं है, पंजाब यहाँ पर नीचे में आएंगे, पंजाब यहाँ पर ये अचीव कर चुका है एनएफएचएस के अकॉर्डिंग, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर, ये चार, एक दो तीन चार और पांच स्टेट हैं जो कि टीएफआर के लेवल को अचीव नहीं कर पाए हैं ये एनएफएचएस के अकॉर्डिंग। तो दोनों थोड़ा सा मिक्सअप है, ये डेटा का गेम है, आपको एसआरए स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और एनएफएचएस का फाइल, ये जो दोनों डेटा है, इन दोनों डेटा के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम किस स्टेट का टीएफआर है, मिनिमम किस स्टेट का है और साथ में कितने स्टेट ने मतलब टीएफआर के लेवल को अचीव कर चुका है एनएफएचएस के अकॉर्डिंग और एसआरएस के अकॉर्डिंग, ये सभी थोड़ा बहुत आप मतलब रिपोर्ट को देख करके खुद से नोट एक प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एनएफएचएस के मतलब थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, हालांकि ये सब चीजों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और साथ में क्वेश्चन इस लेवल का आ जाता है तो उस क्वेश्चन के साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है। ये यहां पर ये वेबसाइट दिख रहा है आपको rchiips.org/nfhs, इनके वेबसाइट से ये होम पेज से ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, होम ये सब लिखा हुआ है, अबाउट एनएफएचएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, आप यहां पर जाएंगे अबाउट सेक्शन में क्लिक करेंगे, एनएफएचएस का आपको सिनारियो मिल जाएगा, एनएफएचएस 1, 2, 3, 4, 5, अभी हालांकि एनएफएचएस 6 भी शुरू हो चुका है, यहां पर आप देखेंगे अबाउट के बाद एनएफएचएस 6 2023-24 एग्जामिनेशन में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है जो करंट वाला सिनारियो है कि एनएफएचएस 6 का राउंड क्या है 2023-24। इसके बाद अब आ जाते हैं नीचे से एनएफएचएस 1, 90-93, एनएफएचएस 2, 98-99, 3, 2005-06, एनएफएचएस 4, 2015-16 एंड एनएफएचएस 5, 2019 एंड 21, और उसके बाद अभी करंट में एनएफएचएस 6 जो कि लेटेस्ट पब्लिकेशन है, इस पर जाएंगे आपको क्वेश्चनायर, उसके बायोमार्कर, इंटरव्यू शेड्यूल, उसका मैनुअल, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप एनएफएचएस के बारे में जो करंट चल रहा है उसका आप उसमें से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप अगर इस फील्ड में अगर रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक अगर ढूंढ रहे हैं तो यहां से आपको टॉपिक मिल सकता है, इन सभी जो सेक्शन है आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी रिपीट होता है, कुछ ना कुछ अपडेशन होते हैं। एनएफएचएस 5-6 इन दोनों से अगर आप निकालते हैं, मैनुअल पढ़ लेते हैं और साथ साथ में इसके क्वेश्चनायर को भी अगर आप रिव्यू कर लेते हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसमें से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एनएफएचएस 5 और टीएफआर के मतलब डेटा के ऊपर बेस्ड था, जिसको मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये सारा डेटाबेस है और मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, आपको रटने वाली चीज है, रटना है, समझना है, मतलब रटना क्या समझना है। तो टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस को यहां पर एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन तो सिर्फ 5 थे लेकिन मैंने जिन पॉइंट को यहां पर डिस्कशन किया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो जितना दिया हुआ है उसके अलावा भी अगर आपने इसी क्वेश्चन के बेसिस पर इंफॉर्मेशन अगर आपने गेन कर लिया तो एक क्वेश्चन के बदले में अगर आप मतलब एक क्वेश्चन के बदले में अगर आपको 10 ऐसे टॉपिक अगर आपने अपडेट कर लिया तो 100 क्वेश्चन को कवर करने के साथ साथ में आपके पास 1000 ऐसे टॉपिक अपडेट रहेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्ट तो आप कर ही देंगे। तो उम्मीद है ये मुझे जो मैंने यहां पे समझाया आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेकेंड पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो इसी तरह द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।